आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। मार्च अप्रैल महीने से ही इस बार गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अब इसका सबसे ज्यादा असर किसानों के ऊपर होना शुरू हो गया है। दरअसल तापमान बढ़ने की वजह से गेहूं और सरसों की फसल समय से पहले ही पक गई है। अब किसानों के भीषण गर्मी की वजह से गेहूं का दाना सिकुड़ने और उत्पादन गिरने का डर किसानों को सता रहा है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि सामान्य तापमान में गेहूं का दाना बेहतर तरीके से पकता है, लेकिन जैसे ही तापमान में भी इजाफा होता है तो ना तो गेहूं अच्छी तरह से पक पाता है और ना ही वह बढ़िया तरीके से फूलता है। अधपका होने की स्थिति में इसके दाने सख्त हो जाते हैं और इसका स्वाद भी बेकार हो जाता है। बता दें कि रोहतक के आसपास के इलाकों में गेहूं के दाने पकने की वजह से समय से पहले ही कटाई शुरू हो गई। किसानों पर इस बार मौसम की दोहरी मार पड़ी है। दिसंबर और जनवरी में होने वाली बारिश के कारण फसलों को बेहद नुकसान हुआ था। अब भीषण गर्मी ने किसानों के सामने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। किसानों का कहना है कि इस बार गेहूं की फसल के पैदावार पर असर पड़ा है। किसानों की माने तो डीजल, खाद, बीज, मजदूरी सब कुछ महंगा हो गया है। अब गेहूं की फसल गर्मी के कारण जल्दी पककर तैयार हो गई। इससे दाना कम पकने के कारण उत्पादन में असर पड़ा है। पहले जो 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ होता था, इस बार केवल 10 मन गेहूं पैदावार मिलेगी। वहीं एक एकड़ पर खर्चा बहुत ही ज्यादा हो गया है। खाद, बीज, तेल सब कुछ महंगा हो गया है। एक खाद का कट्टा 2500 से 2600 रुपए हो गया है। इस बार प्राइवेट डीलर सरसों को सरकार से अच्छे भाव में खरीद रहे हैं। ऐसे में किसानों का रुख प्राइवेट डीलर्स की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।